गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वसंत भाग दो में पार्ट नंबर 7, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। पापा खो गए इस पाठ का शीर्षक है। ये एकांकी है, यानी कि एक नाटक है। इसको लिखने वाले जो हैं वो कौन हैं वो आपको मैं भी बताती हूँ। इस पाठ को लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। किसने इस नाटक को किसने बनाया है, देखिए लेखक यहाँ पर आएगा विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर इसके लेखक हैं। ठीक है बेटे, अब विजय तेंदुलकर जी इसके लेखक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पापा खो गए, आखिर किसके पापा खो गए। ये पाठ का शीर्षक है पापा खो गए। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसके पापा खो गए। इसमें पहले तो हम, ये थोड़ा नाटक है, थोड़ा बड़ा है ये। वैसे तो क्या होता है कि अगर आपके पास पात्र होते हैं उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है, बट हाफ आज करेंगे, हाफ को हम कल बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पापा खो गए ये एक एकांकी है, मीन्स एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। क्या है, नाटक। ये एक नाटक है जिसका नाम है पापा खो गए। जैसे आप स्कूलों में कोई नाटक करते हैं ना, उसी प्रकार ये क्या है, नाटक है पापा खो गए। एक एकांकी है उसने कि आखिर किसके पापा खो गए। यानी कि इस नाटक में सबसे मेन बात जो है वो क्या है, विजय तेंदुलकर जी ने क्या बताया है इसमें, कि इसमें सभी पात्र जो है वो कुछ पात्र जो है निर्जीव हैं, कुछ निर्जीव हैं, कुछ सजीव हैं, लेकिन मोस्टली जो पात्र हैं वो क्या हैं, निर्जीव हैं। वो क्या करते हैं, निर्जीव, निर्जीव मीन्स जो सांस नहीं ले सकते, वो है इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात जो बताई हुई है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं ना, वो रात के समय में ही बोलती हैं, दिन के समय में एज इट इज़ अपनी अपनी जगह पर होती है। पर वो क्या करती हैं, दिन के रात के समय में जाकर क्या करती हैं, आपस में बोलते हैं और अपनी बातचीत करते हैं, अपना सुख दुख बांटती हैं। और इनमें, इन निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य जैसे गुण भी बताए हैं कि जो ये निर्जीव वस्तुएं हैं इनमें क्या है, ममता भी है, दया भी है, करुणा भी है। ये सभी गुण भी इन निर्जीव वस्तुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो आप कहते हैं कि इसमें ये जैसे हैं, इसमें पात्र भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पात्र इसमें निर्जीव हैं, और वो सजीवों की तरह रात को बात करते हैं और दिन में अपने स्थान पर रहते हैं। कुछ सजीव वस्तुएं भी, कुछ सजीव भी पात्र भी हैं इसके अंदर। कौन कौन से, जैसे कौवा हो गया। कौवा एक लड़की है, छोटी बच्ची है, और एक डाकू है, उठाने वाला, यानी कि बच्चों को उठाने वाला, किडनैपर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर है। वो क्या है, निर्जीव, सजीव है। तो कौवा भी क्या है, कौवा भी जैसे बोल तो नहीं पाता है, पर वो भी आप मनुष्यों की तरह रात के समय वो भी मनुष्यों की तरह बातें करके अपने मन के भावों को वो निकालता है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसके पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, कि इनके पात्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले
इसमें पात्र यानी कि जैसे एक नाटक के अंदर हम बोलते हैं करेक्टर कि ये करेक्टर इसके पात्र, जैसे आप लोगों ने कोई नाटक देखा होगा, कोई कुछ बनता है कोई कुछ बनता है, इसमें हम पात्र हैं लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स जिसको क्या कहते हैं, लाल ताऊ बोलते हैं सभी, किस नाम से पुकारते हैं सभी इस नाटक के अंदर, लाल ताऊ। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा गया है, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह लाल रंग का बना होता है, इसीलिए उसको उसे सभी किस नाम से पुकारते हैं, लाल ताऊ के नाम से पुकारते हैं, लेटर बॉक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पेड़, अगला है बिजली का खंभा, बिजली का खंभा ये मैं आपको अभी चित्र के माध्यम से भी चित्र में भी दिखाऊंगी बुक में जो हमारे पास है। अगला है नाचने वाली लड़की, नाचने वाली लड़की, कोवा और आदमी, ये सभी इसके मुख्य पात्र हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस नाटक को कर रहे हैं, कौन से नाटक को, पापा खो गई। अब देखिए बेटे इसमें मुख्य पात्र यही है, लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की, कौवा और आदमी, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास करेक्टर, अभी मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, एक दृश्य आपको दिखाती हूँ इसमें, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि जैसे यहाँ पर ये पात्र जो मैंने आपको बताए हैं, ये इधर जो खड़ा आप देख पा रहे होंगे तो ये है बिजली का खंभा, ये पोस्टर में है नाचने वाली लड़की, और ये है पेड़, ये पेड़ है, और ये इधर ब्लैक ब्लैक यानी कि काले उसमें आपको नज़र आ रहा है, ये है कोवा और ये है लेटर बॉक्स। कौन कौन से पात्र हो गए हमारे पास, बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की, पेड़, कोवा और लेटर बॉक्स। अब अगले उस पर मैं आपको दिखाती हूँ, अगले ही पृष्ठ पर आपको दिखाती हूँ मैं क्या है कि यहाँ पर इस दृश्य में देखिए, इस दृश्य में भी आपको दिखाई देंगे क्या, बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की इधर दिखाई दे रही है, ध्यान से देखें सभी, और ये पेड़, ये लेटर बॉक्स और ये कोवा, और यहाँ पर आपको ये दो अलग से पात्र और दिखाई दे रहे हैं, ये है आदमी यानी कि किडनैपर है ये, और इसके कंधे पर ही ये जो नज़र आ रही है ये है एक छोटी बच्ची, ठीक है। जो मैंने बात की थी बिजली का खंभा निर्जीव है, पेड़ है, और ये सभी जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो लेटर बॉक्स है, और इसमें निर्जीव कौवा दिखाई दे रहा है, सजीव आदमी है और एक छोटी बच्ची है, ये इस पाठ के पात्र हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि इस नाटक की जो है वो नाटक की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस नाटक में क्या बात कही गई है, ठीक है। तो देखिए बेटे इस ये जो नाटक है इसमें रात का दृश्य है, किसका है, रात का दृश्य है, और रात के दृश्य में जोर जोर से क्या हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, क्या हो रही है, ठंडी हवा चल रही है रात के दृश्य में, खंभा और पेड़, खंभा बिजली का खंभा और पेड़ जो है बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, उस बिजली के खंभे और पेड़ को क्या आपस में बात करते हैं कि कैसी हवा चल गई है। पेड़ कहता है खंभे से कि पता नहीं आजकल तो रातें कैसी हो गई हैं, जल्दी भीगती नहीं है। फिर पेड़ कहता है कि पता नहीं सारा दिन कैसे ऐसे निकल जाता है,
फिर पेड़ कहता कि रात बिल्कुल बोरियत, यानी कि बोर होने, बिल्कुल जिसमें नीरस कोई मज़ा नहीं आता, ऐसी रात होने लगी है। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है इससे क्या होती है, हमें परेशानी होती है, पेड़ बोलता है। आपस में बात करते हैं वो, फिर क्या कहता है खंबा, कहता है कि देखो जो ये हवा है, कम से कम ये हवा जो चल रही है वो उस बारिश से तो अच्छी है, बारिश से अच्छी है। फिर खंबा कहता है कि मेरी तबीयत तो, यानी कि मुझे तो देख, तुम तो फिर भी सहन कर लेते हो, तुम्हारे ऊपर चलो असर पड़ता है, लेकिन जो हवा है उससे क्या है, मेरी जो बॉडी है, यानी कि जो मेरी जो है, मैं तो क्या हूँ, लोहे का बना हुआ हूँ, मुझे क्या है, मैं बीमार भी नहीं पड़ता और मैं बारिश भी सहन करता हूँ, ठंड भी सहन करता हूँ, धूप भी सहन करता हूँ, और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, मैं बीमार फिर भी नहीं होता हूँ, है ना। वो इस तरीके से बातें करते हैं। तो पेड़ क्या कहता है, पेड़ कहता है कि मुझे सर्दी बारिश या धूप में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, मुझे धूप से बारिश से या उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सालों साल से हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपस में बातचीत करें, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने सुख दुख बांट रहे। रात के दृश्य है ये, रात के बारे में मैंने बताया आपको कि वो रात में ही बात करते हैं, दिन के समय में वो अपने अपनी जगह पर होते हैं। तो उनको इस तरीके से दिखाया गया इस नाटक में कि जैसे तो वो सजीव हैं, आपस में बात कर सकते हैं, इस तरीके से बताया है। तो कहता कि मैं तो, मुझे तो, मेरे ऊपर तो, पेड़ कहता कि मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता, ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा तो जन्म ही यहीं पे हुआ है, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। फिर कहते हैं कि तुम्हें भी तो मेरे ही सामने लगाया गया, तुम्हें भी तो मेरे सामने ही लगाया गया था। और फिर कहते हैं, फिर आपस में वो सोचने लगते हैं कि पेड़ और खंबा, जो पेड़ सोचता है कि हमारी दोस्ती कैसे हो, है ना, पेड़ सोचने लगता है कि हमारी दोस्ती कैसे हो। तो दोस्ती कैसे हुई उनकी, वो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। ठीक है, वो मैं आगे कल शब्दार्थ कल कराऊंगी, बट आज छोटी सी स्टोरी आधी ही बता पाऊंगी, क्योंकि नाटक लंबा है। तो इसमें देखिए, वो कहते हैं कि पेड़ सोचता है कि हमारे बीच में दोस्ती कैसे हो। तो दोस्ती कैसे हो भाई, एक पोल जो होता है ना, पोल यानी कि जो बिजली का खंभा, पोल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, पोल एक अकड़ू स्वभाव का होता है। पोल का जो स्वभाव होता है ना, वो अकड़ू होता है। अकड़ू बोले तो कि किसी से बात ना करना, किसी को पसंद ना करना, चुपचाप ऐसे ही रहना। तो पेड़ बल्कि बीच बीच में कोशिश करता है कि मैं उससे बात कर पाऊँ, मैं उससे बात करूँ, उसको छोड़ूँ। तो वो सोचते मैं दोस्ती कैसे करूँ। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज़ आंधी आई, और उसमें उस आंधी में क्या हुआ, जो वो पोल था वो गिर गया। वो गिरा, वो ज़मीन पर नहीं गिरा, पर किसके ऊपर गिर गया, वो पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ के ऊपर गिरने से वो जो पोल है पेड़ के ऊपर गिरा, तो पेड़ ने क्या किया, पोल को ज़मीन पर गिरने से ये बचाया। तो इस प्रकार पेड़ ने पोल को गिरने से बचा लिया, तो उनमें क्या हो गई, दोस्ती हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि पोस्टर पर जो नाचने वाली लड़की थी, जो नाचने वाली लड़की की हम बात कर रहे हैं, नाचने वाली लड़की थी, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है पोस्टर, ऐसे जो पोस्टर टंगा होता है ना, जैसे मान लो सपोज करो हमारा ये बोर्ड है, और इस बोर्ड को हम ऐसे करके, ये ऐसे ये टेढ़ा हो जाता है, ऐसे यूँ करके टेढ़ा हो गया, ऐसे तिरछा हो जाना। तो वो पोस्टर पर जो लड़की थी नाचने वाली, उसका पोस्टर जो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, उसके घुंघरू बजने लगते हैं, और वह फिर से पहले की अवस्था में ही हो जाती है, बिल्कुल जैसे ऐसे टेढ़ी हुई और घुंघरू बजे, और इस तरीके से इस पोज में हो गई। फिर जैसे मैंने भी आपको चित्र में दिखाया भी था, फिर वह पहले वाली स्थिति में ही स्थिर हो जाती है, मीन्स वहीं पर अड़ी, वहीं पर ठहर जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गाता है, यानी कि दोहे होते हैं ना, जैसे कबीर के दोहे होते हैं, उसी प्रकार लेटर बॉक्स जो है वो एक दोहा गाता है, और उस दोहे में को गाते गाते जो है कौवा फिर आ जाता है, कौवा उस
दोहे की जो आवाज़ सुनकर कौवा कौवा देखता है कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। वो उठ कर देखता है और कहता है, कौन है जो इतनी मीठी आवाज़ें लगा लगा कर मेरी नींदें ख़राब कर रहा है। फिर वो कहता है कि कौन है भाई जो मुझे रात को चैन से सोने नहीं देता। फिर क्या पेड़ बोलता है, पेड़ बोलता है मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या तुम्हारी इस कर्कश मीन्स कड़वी, इस कड़वी आवाज़ से तो ठीक है तू सारा दिन क्या कर काम काम करता है, तू सारा दिन चैन से जीने भी नहीं देता। तो लेटर बॉक्स क्या करता है, फिर लेटर बॉक्स की आदत होती है कि ना वो चोरी छुपे अपना टाइम पास करने के लिए ना किसी के भी पत्र निकाल लेता है और वो चोरी से छुपे पढ़ता है उनके पत्रों को, है ना, और उनके पत्रों को पढ़कर क्या करता है वापस उसी में डाल देता है अपने। फिर वो लेटर बॉक्स क्या करता है अपने पेट में हाथ डालता है, यानी कि जो लेटर बॉक्स के अंदर एक ऐसे लाइन से दिखाई देती है ना जिसके अंदर से हम पत्र को डालते हैं, लेटर बॉक्स क्या करता है कि अपने पेट के अंदर ऐसे हाथ डालता है और एक चिट्ठी को बाहर निकालता है और उस कागज़ को पढ़ता है, रोशनी में ला के पढ़ता है। कहता है आखिर देखूँ तो ये चिट्ठी किसकी है। फिर वो लेटर बॉक्स देखता है कि ये जो चिट्ठी है ये तो किसी परीक्षित नाम के लड़के की है। किसकी है? परीक्षित नाम के लड़के की है जो कि उसके हेडमास्टर ने लिखी है। किसने लिखी है? उसके हेडमास्टर ने लिखी है। और वो कहते हैं, उसके पिताजी को कहते हैं कि आपका जो बेटा है यह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, हर दम खेलता रहता है, तो आप मुझे पर्सनली आकर मिलें। तो ये चिट्ठी पढ़कर लेटर बॉक्स को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो गुस्से से झिलमिलाया और कहने लगा, क्या आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हैं, क्या फीस क्या फोगट में मिलती है, यानी कि मुफ्त में भरी जाती है, उनको क्या आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि फीस कैसे कमाई जाती है, फीस कैसे भरी जाती है, सारा दिन लगे रहते हैं पिताजी ऑफिस में काम करके पैसा कमाते हैं फिर भी ये नहीं कि पढ़ ले। फिर लेटर बॉक्स सोचता है कि अगर ये परीक्षित नाम का लड़का मेरे पास होता तो मैं इसकी अकल ठिकाने लगा देता। ऐसा देखकर फिर वो उस लेटर बॉक्स को पढ़कर वापस से रख देता है। फिर लेटर बॉक्स क्या करता है, दोबारा से हाथ डालता है और दूसरा पत्र निकाल कर पढ़ने लगता है। इतने में खंबा बोलता है, क्यों ताऊ आज किस किस के पत्र पढ़े, क्यों ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी से पढ़ लिए। लेटर बॉक्स आश्चर्य से बोलता है कि किस किस के पढ़ूँ, मेरे पास तो सभी के पत्र मेरे कब्जे में हैं, तो मैं क्या करता हूँ टाइम पास करने के लिए पत्रों को पढ़ देता हूँ और वापस रख देता हूँ, और मैं ये तो नहीं है कि उन पत्रों को अपने पास ही रखता हूँ, मैं पढ़कर वापस ही तो रख देता हूँ, इससे मेरा भी टाइम पास हो जाता है। और फिर कहता है, खंबा कहता है, नहीं ताऊ ये तो गलत बात है। फिर वो कहता है कि मैं अपने पास नहीं रखता, उन पत्रों को पढ़कर अपने वापस रख देता हूँ और पोस्टमास्टर आता है यानी कि डाकिया आता है और उसको निकाल कर ले जाता है और उनके जिसके होते हैं वो उनको दे देते हैं, पोस्टमैन चिट्ठियों को बांट देता है। तो पेड़ कहता है कि लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, चिट्ठी तो प्राइवेट होती है। तो कहता है कि नहीं, मैं कौन सा अपनी चिट्ठी पास रखता हूँ, मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ मैं किसी के सामने उनकी बातें नहीं बताता, मैं क्या करता हूँ उस पत्र को पढ़ता हूँ और वापस से रख देता हूँ और अपनी बातें उस चिट्ठी की बातें गुप्त रखता हूँ, मतलब छुपा कर रखता हूँ। फिर ऐसे ही बातें चलती हैं तो पेड़ कहता है कि शायद कोई आ रहा है। तो सभी चुप हो जाते हैं, देखते हैं कि पोस्टर पर जो नाचने वाली लड़की थी उसका संतुलन फिर ऐसे हो रखा था, फिर बिगड़ा हुआ था। फिर तेज से वह भिखारी आता है, भिखारी जैसा आदमी, लंबी लंबी दाढ़ी मूछे, और वो ऐसे आवाज़ लगा रहा कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मुझे दूसरे काम की ज़रूरत नहीं है, ये देखो जो मेरे कंधे पर लड़की है ये भी क्या है कि एक इसको भी मैं उठा कर लाया हूँ और ये भी मैंने इसको नशे की दवाई दी है, ये अभी ना नींद में है और जब तक ये उठेगी
तब तक मैं मुझे बहुत भूख लगी है और जब तक ये उठेगी मैं क्या करूँगा, मैं अपने खाने की तलाश करके आ जाऊँगा। तो फिर पेड़ और बातें करते कि पता नहीं इतना बेकार गंदा आदमी था इस बच्ची को यहाँ पर डाल गया और इधर उधर चला गया वो खाने की तलाश में। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल करते हैं, आगे का जो नाटक है वो हम कल बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।